इंसान पूरी दुनिया से लड़ लेता है, लेकिन अपना पति जब निकम्मा हो जाए, जब अपना ही पति किसी गैर औरत के चक्कर में फंस जाए, वहां पे एक औरत कमजोर हो जाती है। और ऐसी ही कमजोरी मनीषा के साथ आई है। आप सब देख ही रहे हैं कि क्या बवाला चल रहा है, लेकिन जितने लोग नए नए इस कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बने हैं, उन सबको बता देती हूँ ये सारी चीजें शुरू कैसे हुई थी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सचिन मनीषा एक ब्लॉगर है और एक और ब्लॉगर है नेहा आशीष तिवारी। जिनको नहीं पता कि नेहा आशीष तिवारी कौन है, उनको बता दूं कि वो अभी अभी तो एक फेमस ब्लॉगर बन चुकी हैं, लेकिन कोरोना के टाइम पे उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और हॉस्पिटल में मुझे लगता है कोई पार्ट्स वगैरह बेची गई, क्योंकि आज तक उनके हस्बैंड की डेथ की क्लैरिटी आज तक मिली ही नहीं, उनके घर वालों को भी नहीं दिया गया, ना नेहा के ससुराल वालों ने कभी पता लगाने की कोशिश करी। और जिससे शादी करी थी वो भी मुझे लगता है कि लव मैरिज ही था, मुझे जहां तक सुनने में आया था। तो अच्छी खासी लाइफ स्पेंड कर रही थी नेहा आशीष तिवारी और उनके हस्बैंड का नाम था आशीष। और सडनली जब कोरोना में उनके डेथ हुई तो नेहा अकेली पड़ गई, क्योंकि हस्बैंड के डेथ के बाद में आप सबको पता ही है कि हमारे बिहार के कल्चर में ससुराल में औरत की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। नेहा अपने मायके आए, मायके से उन्होंने शुरू करी ब्लॉगिंग वगैरह। एक व्हाइट सफेद साड़ी में उन्होंने अपने एक रील को वायरल करा था। खैर रील्स वगैरह तो पहले से ही बनाया करती थी अपने हस्बैंड के साथ में, लेकिन जैसे ही मतलब रील्स वगैरह वायरल भी हो चुके थे इन लोगों के, लेकिन जैसे ही हस्बैंड की डेथ हुई एक व्हाइट साड़ी में इनकी रील वायरल हुई थी। इनके हस्बैंड की डेथ के बारे में पता लगानी थी इनको, पर इनको नहीं पता चली चीजें, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में अगर सभ्यता है, ईमानदारी है, तो क्राइम भी है, तो आज तक पता नहीं लगा। लेकिन उसके बाद ये इतनी फेमस बनी, धीरे धीरे यूट्यूब पर आई, जैसे ही टिकटॉक बंद हो गया यूट्यूब पे बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई, लोग इनको देखने लगे, अपार पैसा हो गया इनके पास। और इनके भाई हैं, ये अपने मायके में रहती थी, भाई भाभी का प्यार काफी इनको मिलता था, ऐसा ये ब्लॉग में दिखाया करती थी। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता श्रुत रिएक्शंस। यहाँ पे आपके फेवरेट ब्लॉगर्स और ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज के रिएक्शंस लेकर आते रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, उनपे कॉमेंट भी करना और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भाई भाभी का भरपूर प्यार इनको मिलता था और लगे हाथ इनका चैनल ग्रो किया, तो भाई लोगों ने भी अपना चैनल खोला और ऐसे ही चीजें चलती रहीं। हर बार आती थी, रोती थी आशीष जी के नाम पे कि मैं आशीष जी के सिवा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब जो चीजें समझ में ऑडियंस को आई है कि सचिन और नेहा का अफेयर चल रहा था, क्योंकि ऑडियंस बहुत पहले से शक करती थी कि ये जो भाई बहन का रिश्ता बोलते हैं ना, ये भाई बहन जैसे लगते नहीं है। और मनीषा को भी लोग बोलते थे कि मनीषा कुछ कहती नहीं, कुछ बोलती नहीं, लेकिन जब चीजें इस तरीके से सामने आई तो लोगों को पता चला है कि भाई बहन से रिश्ता तो बड़ा था ही था, लेकिन साथ के साथ सचिन अब नेहा के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि जीने मरने हर तरह के हर लिमिट तक जाने को तैयार है। लेकिन ये सारी चीजें हुई कैसे, ये सब भी सोचने वाली बातें। शुरुआत हुई थी इस प्यार की क्रिएटर्स पार्टी में, जाहिर सी बात है ये सारे जो जितने भी निकू सुमित सचिन मनीषा सबका मिलके एक ग्रुप था और ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे, साथ के साथ कोलैबोरेट करते थे, एक दूसरे के साथ जाते थे इवेंट में, बातचीत करते थे, अपने ब्लॉग्स को ग्रो किया करते थे ग्रुप बनाकर। लेकिन उसी ब्लॉग्स में नेहा आशीष तिवारी भी आ रही थी, वो भी उसी ग्रुप में थी और उस ग्रुप में धीरे धीरे कब सचिन और नेहा की नजदीकियां बढ़ी थी कोई नहीं जान रहा था। लेकिन ये सारी चीजें लोग तब जानने लगे जब ये बहुत ज्यादा हद से पार हो गई, जब सरिता जेठू के पार्टी में बहुत सारी क्रिएटर्स ने देखा कि उतने घंटे अंदर बंद होके नेहा और सचिन कर क्या रहे थे, तब हर एक क्रिएटर के मन में शक पैदा होना शुरू हो गया और हर एक क्रिएटर नेहा और सचिन को एक अलग नजरों से देखना शुरू कर दिया। लेकिन आज जो चीजें सामने आ रही है कि उधर नेहा कहीं और सगाई कर रही है और इधर सचिन नेहा के लिए पागल हुए जा रहा है, पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नेहा एक विधवा थी, उसकी शादी करने कंपलसरी थी, लेकिन सचिन ऑलरेडी शादीशुदा था, उसको दोबारा शादी करने की जरूरत नहीं थी। और जाहिर सी बात है सचिन के परिवार वाले या मनीषा के परिवार वाले कभी नहीं चाहेंगे कि सचिन किसी दूसरी लड़की को शादी करके लाए, या कोई सास ये नहीं चाहेगी कि मेरे बहू बेटों का जीवन खराब हो जाए। तो हर सास की तरह मनीषा के सास ने भी नेहा आशीष तिवारी को इन लोगों से दूर रहने की हिदायत दी और
इनको नहीं पता था। जब इंगेजमेंट होने लगी नेहा की, तो नेहा इंगेजमेंट करती है, सचिन वहां पहुंचता है। जब सचिन पहुंचता है तो उसको बेइज्जत करके वहां से भगाया जाता है कि तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहो। और इतना बर्दाश्त ना होने के कारण सचिन जाके दवाई खा के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। कुछ खा के, यानी कुछ क्या, मॉर्टिन खाया था, मॉर्टिन खा के एडमिट हो गया था। अब मनीषा जितना अपने पति को सती सावित्री दिखा रही है सोशल मीडिया पे, वो पति इतना सती सावित्री है नहीं। क्योंकि आज का जो ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके से, जिस नजरों से मनीषा देख रही है सचिन को, ये नजर कभी नहीं बता रही है कि मनीषा अपने पति को बहुत सही और बहुत सत्यवादी समझ रही है। क्योंकि उसको पता है कि नेहा जितनी गलत है उससे कई ज्यादा सचिन गलत है। ठीक है, तो ये कल होता है लाइव सारी चीजों का। और उसके बाद, उससे पहले की चीजें मैं आपको बताती हूं कि इसके पर्दे के पीछे क्या चीजें हुई। जब हो जाती है नेहा की सगाई सुमित महल से, तो जो नेहा है वो सचिन से धीरे धीरे कट करना शुरू कर देती है। लेकिन सचिन तो नेहा के प्यार में थे पागल, उनको ये बर्दाश्त नहीं था कि नेहा ने इंगेजमेंट कैसे कर ली। ठीक है, तो अब वो नेहा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए। जब ब्लैकमेलिंग से भी नेहा नहीं सचिन से बात करना चाही, तो सचिन ने पूरे दुनिया के सामने आके नेहा की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। बहुत सारी बातें बोल दी कि नशे की दवाई देके सगाई करवाई जा रही है। और ये बात सचिन ने झूठ इसलिए बोली क्योंकि नेहा को कोई नशे की दवाई देके सगाई नहीं करवाई जा रही थी। इसलिए बोला गया ताकि दुनिया ये समझे कि नेहा के भाई लोग कितने खराब हैं, कितने बेकार हैं, जो उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं, वो मुझसे शादी करना चाहती है। कहीं ना कहीं सचिन की बातें यही इशारा कर रही थी। और भाई यहाँ पे मनीषा को तो खुशी इसलिए हुई कि भला मेरा पति नेहा की बुराई तो करने लग गया, लेकिन मनीषा को ये नहीं पता था कि इसमें भी सचिन अपनी ही चाल चल रहा है। क्योंकि सचिन अगर ऐसा नहीं करेगा तो नेहा सचिन से बात कैसे करेगी, क्योंकि वो तो है आशिक पागल दीवाना, और नेहा से बात करने के लिए सचिन किसी भी हद तक जा सकता है। तो यहां पर होती है नेहा के भाई की लाइव, जिस लाइव में वो भाई इतना शर्मिंदा और शर्मसार है, कहता है कि मेरी बहन की गलती तो है ही, तो ये बताइए कि अगर मेरी बहन कैरेक्टर लेस है तो भाई सचिन क्या कैरेक्टर लेस नहीं है। तो भाई सचिन भी इक्वली कैरेक्टर लेस है, लेकिन आपकी बहन ज्यादा कैरेक्टर लेस इसलिए है क्योंकि आपकी बहन दुनिया के सामने आशीष जी करती थी, आशीष जी की याद आती है, आशीष जी ऐसे आशीष जी वैसे बोल बोल के व्यूज लेती थी। और इंगेजमेंट भी जब उसकी होने वाली थी तो रो रो के दुनिया के सामने मैं आशीष जी के अलावा किसी की बीवी बनना पसंद नहीं करूंगी। तो ये दोहरे चेहरे जो ब्लॉगर्स के होते हैं ना, कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और अंदर ही अंदर आप एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर चला रही हैं, तो इसलिए हुई आपकी बहन कैरेक्टर लेस। क्योंकि अगर आपकी बहन ने अफेयर चलाया है किसी शादीशुदा आदमी के साथ में, तो उसके आशीष जी का नाम यूज करके व्यूज लेना और सक्सेस होना शोभा नहीं दे रहा था। कहीं ना कहीं उसी आशीष जी के पाप तो नहीं लग गए हैं नेहा आशीष तिवारी को, गॉड नोज। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। लेकिन अब क्या होता है कि भाई भी शर्मसार है और कहीं ना कहीं बीवी भी शर्मसार है। उसके बाद हमें पता चलती है कि एक वीडियो आती है मनीषा की, जिसमें मनीषा ने भर भर के कोस कोस के नेहा की बुराई करी थी कि हमें रील साथ में नहीं बनाने देती थी, हम दोनों पति पत्नी को अलग रखी थी, उसी ने कहा था मेरे पति को कि इंस्टाग्राम पे तुम दोनों साथ में रील्स नहीं डालोगे, उसी ने मेरे पति से मेरा अकाउंट डिलीट करवाया, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे मनीषा ने अपने पति की बुराई क्यों नहीं करी, पति के बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोला कि उसने तो ऐसे प्रूफ कर दिया जैसे कि उसका पति देवता है। लेकिन उसका पति देवता कहाँ है, उसका पति ही तो सबसे ज्यादा खराब है अगर बोला जाए प्रॉपर शब्दों में। तो फिर आती है अलका की लाइव। उस लाइव में सचिन ऐसी बातें बोल जाता है जो अलका के ईगो को हर्ट कर जाता है कि अलका को तो हमने मोहरा बनाया था, हमको पता है कि तुम दूसरों के घर में जाती हो, लुकड़ी लगाती हो, इधर उधर करती हो, इसीलिए तुमको हमने मोहरा बनाया था कि तुम हमारी बातें करवा सको। यानी जब सचिन को कोई रास्ता नहीं समझ में आया कि कैसे नेहा से बात किया जाए,
तो उसको पता चला कि अलका से उसकी बात होती है, तो अलका से उसने बात करना शुरू कर दिया कि इसी बहाने ये कम से कम मीडिएटर बने, ठीक उसी मीडिएटर की तरह जो एक इनके यहाँ भोपाल में मीडिएटर है, इनकी पड़ोसी जो इन दोनों की बातचीत और सारी चीजें करवाती थी, ठीक वही मीडिएटर अलका को बनाने की कोशिश करा सचिन ने। लेकिन यहाँ पे ऐसा पता नहीं क्या सचिन ने बोल दिया, और वो है तो थोड़ा मुंह फट, सामने सामने लाइव में आके सारी बातें बोल गई जिससे अलका को भड़का दिया। कुछ रिकॉर्डिंग्स भी चलाने वाले थे पर लाइव में रिकॉर्डिंग्स चली नहीं। अब पर्सनली सचिन की बात नेहा से नहीं हो पा रही है तो नेहा तो सचिन ने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अब आप देखिए कि एक आवारा पागल कितना ज्यादा आशिकी निभा रहा है घर छोड़ छोड़ के। अलका ने एक और बात बोल दी है जो कि मैं भी सुन के शॉक्ड थी कि मनीषा गले पे बैठ बैठ के सचिन को मारती है। क्या इस बात को आप विश्वास कर सकते हैं? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऐसी चीजें हैं तो क्या सचिन अपनी बीवी से तंग आ चुका था? क्या नेहा उसको ज्यादा ही बिहेवियर में अच्छी लगती थी, प्यार करता था उससे? आखिर क्या दिखा नेहा में और क्या नहीं दिखा अपनी बीवी में? सोचने वाली बातें हैं। उसके बाद आज जो सचिन का वीडियो आता है जिसमें सचिन गायब थे, हैदराबाद पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन इतने कॉल्स गए उस हॉस्पिटल में कि वहां पे उसका कोई नामो निशान नहीं मिला कि वो उस हॉस्पिटल में एडमिट भी है। ठीक है, घर आता है, माँ फूट फूट के रो रही है। सचिन को साइकेट्रिस्ट की अब जरूरत है उससे, क्योंकि अब उनका दिमाग उनके आपे में रहा नहीं, उनका दिमाग आशिकी में पागल हो चुका है। तो देखो घर वाले तो यही सोचेंगे ना कि बेटे बहू का जीवन बर्बाद ना हो। और उधर नेहा की शादी टूट चुकी है। अब जाहिर सी बात है जिस लड़की की इज्जत इतनी उछली, अब सुमित महल तो उसे शादी इसलिए कर रहा हो कि बेचारी विधवा है, लेकिन उसको पता चला कि अफेयर भी करती है, गुल भी खिला रही है, तो अब वो क्यों शादी करेगा? तो शादी तो भाई टूट गई, ये तो तय है। ठीक है, और नहीं अगर इसके बावजूद भी शादी हो रही होगी तो अब समझ जाइए कि सरासर पैसे का खेल है। सिर्फ और सिर्फ सुमित को पैसा चाहिए इसलिए नेहा से शादी करेगा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में सजा सबसे ज्यादा मिली है किसको? मनीषा को। आखिर किसी ये कहानी एकदम से एक, मैं भूल रही हूं, एक क्रिएटर की तरह है, डिटो वैसी ही कहानी।